आज हम जा रहे हैं हिरंकी गांव में, एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, वहाँ पे जा रहे हैं याना को लेके। और यहाँ से इतना अच्छा सनसेट दिखता है। तो अभी बज रहा है 6:30 और गर्मी बहुत हो रही है आज, तो हमने सोचा यानू को थोड़ा सा बाहर घुमा के लेके आए। यानू, चलो यानू को दिखाते। यानू ने रो रो के बहुत बुरा हाल करा है। यानू को लग गई गर्मी। पतला सा रास्ता है और यहाँ से बहुत ही सुंदर लगता है इधर। और यानू मेरे फोन को फेंक रही है, इसको गुस्सा आ रहा है। देखो यानू का रोना। क्यों रो रहा है? बहुत क्रैंकी हो रही है, गुस्सैल बच्ची बनी हुई है। अब यानू लेके आई है अपनी बॉल और यानू के। हम पहुंच चुके हैं और कुछ दिन पहले हम आए थे तो यहाँ पर बैंगन की खेती हो रही थी, बस अब इन लोगों ने हटा दिया है। और सनसेट यहाँ से बहुत ही प्यारा दिखता है। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पर फूलों की खेती भी होती है, तो टाइम टू टाइम यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ पर हो रही है घास की कटाई और उधर बहुत सारा धुआं दिख रहा है, तो किसी ने शायद आग लगाई है। और यहाँ अभी लोग अभी आए हुए हैं। अब यानू देखो क्या करती है। बाहर तो आ जाओ। लोग यहाँ पर चल रहे हैं नंगे पांव क्योंकि घास हल्की हल्की गीली है। बड़ी सही लग रहा है। और यानू को देखो, यानू आज इतनी अच्छी जगह यानू को हम लेके आए और यानू रोने में लगी हुई है। देखो तो ये हमारी घर से बस 10 मिनट की दूरी पे है ना, गाड़ी से। और ये हिरंकी गांव है, यहाँ पर बहुत सारी खेती होती है, फूल की खेती होती है, सब्जियों की होती है, गेहूं भी होते हैं यहाँ। तो यानू आई है, तो यानू को लग चुकी है प्यास। यानू लेके आई है अपने लिए चीज बॉल। यानू ने पानी पिया, अपने शूज उतार दिए और ओएस खाया। अब यानू में जान आई है थोड़ी, नहीं तो यानू ने रो रो के कर दिया था हाल बुरा। अरे यानू, कातू कातू कर देगा वो, कातू कातू। यानू तूने उसे कितना परेशान, तूने डॉगी को इतना थका दिया। और अब हम जा रहे घर। यानू ना पीछे ही पड़ गई थी उसके डॉगी के।